तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आदि पुरुष के जो सॉन्ग रिलीज हुआ है उसके बारे में और इसके ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। और इस सॉन्ग के साथ जो ये वीडियो हमें दिखाया गया है उस पर भी हम पॉजिटिव वे में बात करेंगे। तो अपने और डार्लिंग प्रभास भाई के जितने भी फैन है भाई, इस वीडियो को एकदम अच्छे से लास्ट तक देखना ताकि तुम लोग एक अच्छा पॉजिटिव फील करो कि हाँ, इस मूवी के बारे में कि हाँ, धमाकेदार होने वाला है कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्टिंग करते हैं। देखो ये सॉन्ग जो है अच्छा खासा मस्त बूस बम देता है, एकदम मस्त विजुअल हमको सीन कराता है श्री राम जी के बारे में। तो फिर अच्छा से तो हम लोग अपने आप को मेडिटेशन वगैरह अच्छे से फील कर सकते हैं विदाउट कहीं बैठे, बस गाना सुन के मस्त लीन हो सकते हैं भगवान के ध्यान में। और फिर बात करें अब इसके विजुअल्स के बारे में और कुछ जो सीन हमको दिखाए जाते हैं माता सीता प्रभु राम के बारे में, तो वो सब सीन हम इसमें थोड़ी बहुत बात करेंगे। और सिग्रीव की सेना, फिर उसके बाद एक किंग कॉन्ग जैसा, ये कौन है समझ नहीं आता, तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रभु श्री राम जब जिस तरीके से इस अवतार में हमको देखने को मिलते हैं और फिर माता सीता मस्त एक वाइट साड़ी में अच्छे से हमको दिखती हैं एकदम मस्त रानी की तरह, तो मैं ये जब देखा तो मैं कहा यार ये जंगल में है इस तरीके से, इतना नया वस्त्र कहाँ से पा गए। तब फिर मैं ट्रेलर इसका जब देखता हूँ तो फिर हमें प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण और सीता माता का वो जो सीन दिखाई देता है, तो सीता माता उसी वस्त्र के साथ जंगल आई हुई होती है, तो इनका तो सीन फंडा क्लियर हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है इनका तो ये ठीक। लेकिन जब श्री राम के जो वस्त्र वगैरह ये सब लगे होते हैं लेदर टाइप्स के, फिर वो उनका वो जो कट सीन वाला अलग टी शर्ट होता है वो भी, मैं कहा ये कहाँ जंगल में मिल रहा है भाई इस तरीके का। तो वो अपना उसमें दिखाया जाता है ट्रेलर में कि वो जब महल से निकल रहे होते हैं तो उसको पहन के ही निकले होते हैं, वो वैसे ही जंगल चले जाते हैं। अब फिर नई बाहुबली की तरह सारा सब कुछ निकाल उकाल के रख दिए, अब चलो चलते हैं अपन प्रजा की तरह और फिर बस लूट पड़ते हैं। तो उन्होंने सिंपल सिंपल यही पहन के धनुष बाण लेके जंगल प्रस्थान कर जाते हैं। और फिर बात करें इसमें बलि सुग्रीव और फिर ये जो चिंपैंजी जैसा वो किंग कॉन्ग जैसा बंदर वंदर दिख रहा है, तो इसमें हमें लगता है कि वही वानर सेना जो है सुग्रीव की, उसी के कुछ ऐसे क्रिएचर होंगे जो कि शायद हमको मूवी में देखने को मिले। लेकिन ये देखकर मुझे एकदम मस्त मज़ा आता है। और फिर इसके जो बैकग्राउंड में बैटल सीन का वो पीछे का बादल और काला ग्रेडियंट, ये भगवा अस्त्र वाला ये सीन सब ग्रेडियंट वगैरह हमको देखने को मिलता है कलर वाला, ये मुझे कसम से विजुअल बहुत पसंद आता है। और फिर जिस तरीके से समुद्र को वो जो लहराता है वो भी सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और फिर जो रावण की लुक है वो और शिवलिंग वाला जब पानी इसमें झरझर गिरता है वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसको जब मोबाइल में देख रहे हैं तब उतना ज़्यादा तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब इसको हम सिनेमा में देखेंगे बड़े पर्दे पर तो फिर काफ़ी मज़ा आएगा। और आईमैक्स 3D में देख लिए तो भाई पूरा का पूरा बवाल हो जाएगा। और फिर इसमें हर एक करेक्टर जो हमें दिखाए जाते हैं जो मानव होते हैं वो मानव की तरह दिखाए जाते हैं, और फिर जो बानर वगैरह होते हैं उनको मस्त एनिमेशन के रूप में हमको दिखाया जाएगा। अब एनिमेशन की तरह क्यों दिखाएगा, क्योंकि अगर पूरा का पूरा बानर सेना हमको दिखाएंगे तो वे ट्रेंड बंदर की ज़रूरत होगी जो कि कहाँ मिलते हैं ऐसे, तो फिर हम एनिमेशन वगैरह में उनको लेंगे और फिर मस्त उसको फाइट वगैरह करवाते हैं। इसी वजह से इसका जो है पैसा इतना ज़्यादा लग गया है, तो होपफुली हमको अच्छे से इंजॉय इंटरटेन कर पाए इस मूवी को। और भाई इस मूवी में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और शरद केलकर की आवाज़ और इसमें श्री राम हमको मोटिवेट करते हुए दिखेंगे, एक इंसान की तरह हमको दिखाया जाएगा ये मूवी। मतलब जो है शुरुआत में जब ट्रेलर में बोला जाता है अपने हनुमान जी इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान राम को कि ऐसे इंसान जो इंसान से भगवान बन गए वो प्रभु श्री राम, तो वही हमको देखने को मिलेगा। और ये फिल्म कमर्शियली यहाँ तो हिट साबित होगी, और फिर ये जब विदेशों में जाएगी तो ये कमाल का सिनेमा जब वहाँ वो लोग देखेंगे ये कहानी ये विजुअल्स भर भर के तारीफें करेंगे गारंटी इट। तो फिलहाल मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा इस आदि पुरुष के बारे में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और बहुत कुछ और बातें होनी है तो फिर अगर कमेंट बॉक्स में तुमको कुछ लगे कि इस बारे में बात करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात छोड़ देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।